दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा रोडवेज ने 1 नवंबर से दिल्ली में जाने वाली सभी BS3 और BS4 की बसों को पूरे तरीके से प्रतिबंध कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, ये फैसला दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए लिया गया है। वहीं फरीदाबाद रोडवेज के GM लेखराज ने बताया कि पहले ही 25 तारीख को सभी बसों को अल्टीमेटम दे दिया गया था और बाकी बची हुई बसों को 31 तारीख को पूरे तरीके से प्रतिबंध कर दिया है। हमने पहले ही लगभग 25 तारीख से इस बारे में अपना इंतजाम करके गाड़ियां लगभग हटा दी थी। जो एक दो गाड़ी चल रही थी वो हमने 31 तारीख को वो भी हटा दिया। आज की डेट में हमारी कोई भी Euro 3-4 गाड़ी नहीं चलती है दिल्ली में। दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए ये हिदायत आई है कि Euro 6 CNG और इलेक्ट्रिक बस जाए, तो हमारी सभी जो है ना Euro 6 गाड़ी जो है दिल्ली में जा रही है। कितनी गाड़ियां हटाई थी और कितनी जो है वापस उसी रूट पर चलाई जा रही? लगभग हमारी 12 से 14 गाड़ी के लगभग गाड़ी जाती थी जो Euro 4 थी, इधर से बीच में से होके दिल्ली से आगे, जैसे यमुनानगर, करनाल, कैथल, चंडीगढ़, पंचकुला, तो हमने सभी वो रिमूव कर दी है। हमने आज की डेट में Euro 6 गाड़ी डाली। वहीं GM के आदेश के बाद सभी BS3 और BS4 की बसें अब बस स्टैंड पर एक लाइन में खड़ी हुई नजर आ रही है।